हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे साइंस के बारे में, साइंस की हर एक फील्ड्स के बारे में। आपको वीडियो डेली मिला करेगी एंड वीडियोस आपके लिए बायलिंगुअल रहेंगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। जैसा कि बायलिंगुअल रखने का रीज़न यह है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ने में दिक्कत होती है, तो वो लोग अच्छे से समझ सकें, और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आता है। साइंस के 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है फिजिक्स, सेकंड है केमिस्ट्री, थर्ड है बायोलॉजी, फोर्थ है जियोलॉजी एंड फिफ्थ है एस्ट्रोनॉमी। तो चलिए डिस्कस करते हैं साइंस के बारे में। अ सिस्टम ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स एंड The things occur in it is called science. A system of knowledge मतलब ज्ञान का एक सिस्टम तरीके से, नॉलेज का एक सिस्टम तरीके से, अबाउट फिजिकल फिजिक्स का, केमिकल केमिस्ट्री का एंड बायोलॉजिकल यूनिवर्स मीन्स बायोलॉजी का एंड थिंग्स डेट अकर इन इट, जो भी वस्तु इसमें चल रही है, इज कॉल्ड साइंस। साइंस कंसिस्ट ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड। साइंस किस चीज से मिली है, ऑब्जर्व करिए इस वर्ल्ड को बाय वॉचिंग, लिसनिंग, ऑब्जर्विंग, देख के, सुन के, ऑब्जर्व करके, रिकॉर्ड करके, किसी और को देख के। एनी वन कैन थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। वॉट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिजिकल फिनोमेना लाइक मोशन ऑफ मैटर, एनर्जी एंड फोर्स। साइंटिफिक स्टडी करना फिजिकल फिनोमेना लाइक मोशन ऑफ मैटर, मैटर का मोशन कैसे हो रहा है, उसकी गति कैसे हो रही है, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं एंड फोर्स के बारे में और एक्सेट्रा। सेकंड नंबर पर आता है केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो डील करती है आयन से, मॉलिक्यूल से, एटम से, जो इन तीनों से मिलके बना होता है कंपाउंड। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन्स विच मेक कंपाउंड। थर्ड नंबर पर आएगा बायोलॉजी। बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना। फर्स्ट पे आएगा ऑरिजिन, सेकंड पे आएगा एनाटॉमी, थर्ड पे आएगा मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट है ऑरिजिन। ऑरिजिन में हम उसकी उत्पत्ति से पढ़ते हैं कि इसका बर्थ कैसे हुआ, इसका लाइफ स्पेन क्या था, ये सारी चीजें। सेकंड नंबर पे है एनाटॉमी। इंटरनल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे में लिवर है, किडनी है, ये सारी चीजें। थर्ड नंबर पे है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब बाहरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसका, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ओके, लेट्स फोर्थ पॉइंट है अपना एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे स्टडी ऑफ एवरीथिंग इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है इसमें पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी में, ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है। बियॉन्ड अर्थ, अर्थ के बाहर, अर्थ के एटमोसफियर के बाहर होना चाहिए, जस्ट लाइक सन है, मून है, अपना प्लेनेट है, जितनी भी सैटेलाइट्स लगी हुई हैं, स्टार्स लगे हुए हैं, स्टार्स हैं अपने पास, मून है, सन है, ये अपनी अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर है। तो एस्ट्रोनॉमी में हम यही पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ एवरीथिंग, सारी चीजों को पढ़ते हैं इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में, बियॉन्ड अर्थ एटमॉस्फेयर। लेट्स गो इन फिफ्थ पॉइंट, जियोलॉजी। जियोलॉजी में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ को पढ़ते हैं, अर्थ को कैसे पढ़ते हैं, हाउ अर्थ फॉर्म, अर्थ की फॉर्मेशन कब हुई, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का कंपोजिशन किस चीज़ से बना हुआ है, रॉक से, रॉक भी कितने टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम जियोलॉजी में पढ़ते हैं। राइट, डिस्कस करते हैं ये सारे पॉइंट्स अब।